अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। आज हम आपको काउंट डाउन मैथ के बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन को स्टडी करना सिखा रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 15 जो थी हमारे पास, इसका पेज नंबर जो मेरे पास है 179 पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बच्चों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको 25 का सोल्यूशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे, गौर से देखेंगे। तो आप बुक निकालें, उसको देखें क्वेश्चन नंबर 25 है क्या। थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली बहुत इजी है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देखें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पर थोड़ा सा हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे ताकि हमें आसानी लगे। हम इन दोनों कैल्शियम लेंगे, इन दोनों कैल्शियम लेंगे, ये दोनों इकट्ठे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेपरेट हैं, दोनों लगा दिए। इसमें से ये कैंसिल हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें, ये इससे कैंसिल हुआ, ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास ये हो गया डिवाइडेड बाय इन दोनों का भी ए माइनस बी ए प्लस बी एलसीएम आ जाएगा। तो कैसे आप करेंगे, इसमें देखें ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी ए माइनस बी, ये आपका सोल्यूशन आ रहा है। तो हम इसको देखते हुए अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मज़ीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो असल में जगह शॉर्ट इसलिए छोटा लिखना पड़ रहा है। तो अब आप देखें, हमारे पास एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर होंगे अगर, तो आगे जाकर भी स्क्वायर स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इसको मैं फॉर्मूला बना लूँ, ए प्लस पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो दफ़ा है तो 2 हो गया इसकी पावर 1+1, माइनस यहाँ भी देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 2, इसलिए कि ये 1-1 है, दोनों सेम है। नीचे आपके पास जो बन रहा है, अब आप इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, अभी फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही लिखते हैं, बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ इसको देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें ये प्लस पावर 2 हो जाएगी और ये भी माइनस माइनस है तो 1+1, दोनों सेम है तो पावर 2 है। अब ये देखिए, ये फार्मूला यहाँ लग रहा है और ये इस फार्मूले का यहाँ लग रहा है, तो इस पूरे की जगह पर मैं ये लिख दूँगा और इस पूरे की जगह पर ये लिख दूँगा। यहाँ से हम लिखेंगे 4a² b², इसको माइनस वाले को तो हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसकी जगह पर ये 4ab, समझ में आई आपको? तो अब आप क्या लिखेंगे, ये देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये ए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से
ए प्लस बी कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया ऊपर, यहाँ से ए भी बचा, नीचे ये बच गया, क्या बच गया आपके पास, ऊपर ए भी बचा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका यही सिंप्लीफिकेशन आंसर है। आप असल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, जिस वजह से बच्चों ने डिमांड की सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने इसको थॉरली सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 15 काउंटडाउन 8 क्लास की काउंटडाउन है, इसके क्वेश्चन नंबर 25 है। हमने सारा सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया, उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मूले समझ में आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। तमाम क्वेश्चन प्रोफेसर साजिद को अपनी दुआ में शामिल रखें। इजाज़त दीजिए, सेहत दुआ के तलबगार हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।